Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anka Aiman, and in today's video, we will be talking about the whole process of FAA Assistant Director and Inspector Investigation Selection. तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं. FIA AD और Inspector Investigation फेजेस के लिहाज से एक ही नौयत के हैं. The job process consist of three phases. सबसे पहले आता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू. तो इसमें जो दो तरह के टेस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट. पहली तरह का टेस्ट हमारे पास है स्क्रीनिंग टेस्ट. द टेस्ट्स आर कंडक्टेड बाय एफपीएससी. एफआईए जो है वो फेडरल इदारा है, तो फेडरल ही इसका टेस्ट कंडक्ट करता है. स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है. एफपीएससी जो है वो दोनों तरह के टेस्ट के लिए आपको सिलेबस प्रोवाइड करती है, जिसमें पोर्शंस दिए होते हैं कि ये जो 100 मार्क्स की डिवीजन है वो किस तरह से होगी. एफआईए एडी और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिहाज से कंप्लीट वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ इसका सिलेबस और इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्कस की थी. द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन. मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट फेज इज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव फेज. ये 100 मार्क्स का पेपर होता है जो कि डिफरेंट पोर्शंस पे बेस्ड होता है. डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सिलेबस आपको आपके टेस्ट से पहले दे दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपने प्रेपरेशन करनी होती है. हम अपने सामने 2021 का केस लेकर स्टडी करेंगे और उसकी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी कि सिलेबस, पास्ट पेपर्स और आपका स्टडी मटेरियल जो है वो कैसा होना चाहिए. 2021 के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिहाज से आज हम इस मौजू पर बात करेंगे. सो एज एन एग्जाम्पल मैं आपके साथ इसका सिलेबस शेयर करती हूँ, जो कि 2021 के टेस्ट के लिए दिया गया था. तो देखिए, इट इज़ अ सिलेबस फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ केस नंबर 148/2021 इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंड केस नंबर 149/2021 असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन. इसमें उन्होंने आपको बताया कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 होंगे और क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है, 40%. यानी कि आपको 40% मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 100. कितना टाइम आपको दिया जाएगा इस पेपर के लिए, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा. पार्ट वन कंप्राइजेज ऑफ इंग्लिश एसे, जो कि 40 नंबर का होता है. कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन इंग्लिश कंप्राइजिंग 1000 वर्ड्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 गिवन टॉपिक्स. आपको 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपने अपनी मर्जी का कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपको 1000 वर्ड्स का एसे लिखना है. जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको कम्प्रीहेंसिव नॉलेज होना चाहिए. आपकी आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन और टेक्निकल अप्रोच जो है वो एग्जामिन की जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है पार्ट टू. पार्ट टू में आ जाते हैं करंट अफेयर्स. 30 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन होता है. कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज ऑन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग. इसमें मोस्टली आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं 15-15 मार्क्स के. तो जो 2021 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सिलेबस दिया गया था, उसमें जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स शामिल किए गए थे वो कौन से थे? सीपेक एंड पाकिस्तान, कश्मीर इशू, पाक यूएस रिलेशंस और अफगान क्राइसिस. आपको इन 4 टॉपिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करनी थी, ताकि अगर पेपर में किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हों. पार्ट 3 कंप्राइजेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडीज. ये भी 30 मार्क्स का होता है. इसमें भी आपको 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि ये क्वेश्चन पेयर्स में होते हैं. लाइक एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी. सो इस तरह आपको 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं. इस्लामिक स्टडीज की बात करते हैं. इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज रोल मॉडल. तो इसमें हमने सीरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एस्पेक्ट से कवर करना है. स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. पाकिस्तान स्टडीज में क्या था? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. सैलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान एंड मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान. इन तमाम टॉपिक्स को हर एंगल से, हर डायमेंशन से कवर करना था. इसके अलावा उन्होंने सिलेबस में आपको सजेस्टेड रीडिंग्स भी दी थी, पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स के लिए और इस्लामिक स्टडीज के लिए. आपकी मर्जी है कि आप रिकमेंडेड बुक्स को स्टडी करें या फिर आप किसी भी ऐसे सोर्स को स्टडी करें जो इन तमाम टॉपिक्स को कवर करता हो. ये तो हमने देखा 2021 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए दिया गया सिलेबस. अब हम 2021 वाले केसेस का असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर देखते हैं. दिस इज द डिस्ट्रिक्टिव पेपर ऑफ FIAAD व्हिच वाज हेल्ड इन मार्च 2023. ऐसे के 40 नंबर थे,
आपको चार में से कोई एक ऐसे अटेम्प्ट करना था और 1000 वर्ड्स का ऐसे लिखना था। जो चार ऐसे दिए गए थे वो थे इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, पेट्रियाटिज्म, टेररिज्म अ मेनेस फॉर पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ऐसे के लिए आपको कोई टॉपिक नहीं दिया जाता, इसलिए आपको खुद से इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। एक्सपेक्टेड एसेज देखने पड़ते हैं, कुछ जनरल टॉपिक्स देखने पड़ते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि ऐसे टॉपिक्स देखने पड़ते हैं जो कि सदाबहार हैं, जो पास्ट में भी थे और प्रेजेंट में भी हैं, एंड इन द लाइकली 2-3 ईयर्स वो कंटिन्यू रहने का चांस है। लाइक सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, टेररिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पोर्शन था जो कि 30 मार्क्स का था। आपको 3 में से 2 सवाल करने थे। अब इस पेपर में आपने देखा कि 2 क्वेश्चंस तो आपके सिलेबस से आए हैं, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द पैलेस्टाइन इशू, ये आउट ऑफ सिलेबस आया है। सिलेबस में आपको दिया गया था सीपेक इन पाकिस्तान, तो थ्रेट्स टू सीपेक प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान आ गया। सिलेबस में आपके पास था अफगानिस्तान क्राइसिस, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया वो है इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। तो इस पेपर से आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि एग्जामिनर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस भी जा सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ लिटल मोर कि आप सिलेबस के अलावा उन इश्यूज को भी देखें जो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं और प्रेजेंटली भी चल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स, मौजूदा चलते हुए आपके जो अफेयर्स हैं। थर्ड पोर्शन था पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेयर्स में क्वेश्चन होते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं, ए बी पार्ट होता है, यानी कि आपको टोटल 6 में से 4 सवाल करने होते हैं। तो वो जो 6 टॉपिक थे वो कौन से थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पर्सनैलिटी पे बात करनी थी, मेजर पॉइंट्स इन द लास्ट एड्रेस ऑफ होली प्रॉफिट, नोट ऑन इस्लामिक एथिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, सजेशंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान एंड सजेशंस फॉर एंडिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। अब इस पोर्शन में भी उसने सिलेबस से क्वेश्चंस डालने के अलावा 2 या 3 क्वेश्चंस बाहर से भी उठाए हैं और थोड़ा सा मिक्सचर बना के उसने पेश कर दिया है। सो जैसा मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए बताया, आपने सेम वही अप्रोच जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात के लिए लेकर चलनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टाइम पीरियड फॉर द होल प्रोसेस। सो यहाँ पर भी मैं 2021 वाली एग्जाम्पल लेकर ही चलूँगी, केस 148 बाई 2021 एंड केस 149 बाई 2021। इनकी जो एडवर्टिजमेंट थी वो दिसंबर 2021 में आई थी। आपका जो एप्लीकेशन का टाइम था वो 20th of December 2021 तक था। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ और 2022 में ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सिलेबस भी अनाउंस हुआ, यानी आपके पास इसके डिस्क्रिप्टिव की तैयारी के लिए तकरीबन 9 से 10 माह या फिर पूरे साल का टाइम होता है। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। मार्च 2023 में इसका डिस्क्रिप्टिव कंडक्ट हुआ और इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ सितंबर 2023 में, और अब इसके इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। जिन्होंने 2021 में इसके लिए अप्लाई किया था वो अब जाके इसका इंटरव्यू देने लगे हैं। सो अगर मैं एस्टिमेटेड टाइम पीरियड की बात करूँ ऑफ द होल प्रोसेस फ्रॉम द एडवर्टिजमेंट टू इंटरव्यू एंड सिलेक्शन, इट टेक्स 2 और 2.5 ईयर्स। अब हम बात करते हैं इसके इंटरव्यू के बारे में। अब ये जो सामने आपको एक आउटलाइन दिख रही है, इंट्रोडक्शन, FIA, पोस्ट यू अप्लाइड फॉर, अदर्स, मोस्टली आस्क, इनको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली चीज़ इंटरव्यू में आ जाती है इंट्रोडक्शन। आपसे कहा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सुनने में ये बड़ा आसान लगता है कि भाई अपने बारे में ही बताना है ना, हम तो बहुत ईजिली बता देंगे, या फिर ऑन द स्पॉट जो है वो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर इंट्रोडक्शन। आपको खुद को इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको अपना इंट्रोडक्शन ऐसा ब्रीफ और ऐसा अच्छा रखना है कि आपको आपके इंट्रो से ही एग्जामिनर फंसाए नहीं। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? योर नेम, योर सिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो, एनी अचीवमेंट इन योर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड करंट वर्किंग स्टेटस। इन तमाम चीज़ों के अलावा आपने उनको कुछ नहीं बताना जब तक वो खुद नहीं पूछते। They are not interested in your family, they are not interested in your siblings, and they are not interested in what your parents do. They are interested in your introduction.
सो यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ प्रैक्टिस फॉर योर इंट्रोडक्शन की, तो फर्स्टली मेरा ये मतलब है कि आपने इन तमाम चीज़ों के अलावा उनको कुछ नहीं बताना जब तक कि वो आपसे पूछते नहीं. सेकेंडली, आपने अपने इंट्रो के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है, लाइक द सिटी यू बिलोंग टू. आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका सिटी फेमस है तो वो किस वजह से है, वहाँ की फेमस चीज़ें क्या हैं, और अगर उस शहर की कोई खासियत है तो वो क्या. फिर हमने क्वालिफिकेशन का बताना है, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस की बात करनी है कि अगर आप कहीं जॉब करते थे तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, कितने साल जॉब की है, किस नौयत की जॉब की है, और अगर आपने वहाँ पर कोई अचीवमेंट की है तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं, और करंट वर्किंग स्टेटस क्या है, आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं. इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट FIA. लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी. मोस्टली ऐसा होता है कि आपके FIA के इंटरव्यू में भी आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें आपने डिग्री ली होती है, तो आपको अपनी उस डिग्री से रेलेवेंट भी मेजर मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं FIA की. आपको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किसके अंडर आती है, कितने विंग्स हैं, क्या काम करती है. अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अपनी एक वेबसाइट है जहां पर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं. सेकंड आ जाता है अदर सोर्सेज. अगर आपका कोई जानने वाला FIA में एलोकेटेड है तो वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता है कि FIA के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके विंग्स कितने हैं, कौन सा विंग क्या काम करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट यू अप्लाइड फॉर. स्टडी अबाउट द पोस्ट यू अप्लाइड फॉर और आस्क एनी पर्सन एलोकेटेड. जिस पोस्ट का आपका इंटरव्यू हो रहा है आपको उस पोस्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लाइक FIA AD की पोस्ट जो है वो किस नौयत की है, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसका काम क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं. FIA इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब किस नौयत की होती है और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं. अदर्स में हमारे पास आ जाते हैं करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, योर हॉबी और समथिंग एल्स. आपसे वो करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकता है. आजकल के कुछ इंपॉर्टेंट अफेयर्स की बात करूं तो उसमें हमारे पास US-India स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आ जाती है और उसके पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट्स आ जाते हैं, G20 समिट, रीजनल इम्प्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे पूछा जा सकता है, सऊदी ईरान निगोशिएशंस के बारे में पूछा जा सकता है विच वॉज ब्रोकर्ड बाई चाइना, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, राइज ऑफ मिलिटेंसी के बारे में पूछा जा सकता है, एंड सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम करंट अफेयर्स. अब ये जो मैंने करंट अफेयर्स के लिए टॉपिक्स बताए इनको थोड़ा सा मोल्ड करके भी पाकिस्तान अफेयर्स के लिए पूछ सकता है. और जो पाकिस्तान करंटली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजर रहा है उसके बारे में भी इंटरव्यूअर आपसे क्रिटिकल एनालिसिस मांग सकता है. थर्ड आ जाता है आपकी हॉबी या समथिंग एल्स. कभी कभार वो आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी. अगर आप बोल देते हैं बुक रीडिंग तो अगला क्वेश्चन आता है विच काइंड ऑफ बुक्स. उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अभी तक किस किस राइटर की बुक्स पढ़ ली हैं. उसके बाद वो आपसे उन बुक्स की समरी मांग लेता है या ये पूछ लेता है कि ऑथर ने इस बुक में क्या बताया है. और अगर आप बोलते हैं कि मेरी फेवरेट हॉबी क्रिकेट है तो आपसे क्रिकेट के बारे में क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं. पहला मैच कब हुआ, कहाँ पे हुआ, रिसेंटली मैन ऑफ द मैच कौन था, एशिया कप कब हुआ, कौन जीता, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इस हॉबी वाले केस में आपने कोई शोखी या एफिशिएंसी नहीं मारनी. Now, last but not the least, the mostly asked question is why you should be selected. आपने उनको बताना है कि आप ही को क्यों select किया जाए. Your answer should be confident, convincing and humbled. इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है. If this video was helpful for you, like, subscribe and share. Thank you. Allah Hafiz.